दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आमिर खान और किरण राव ने अपनी तलाक का ऐलान किया था, उस दिन वो दोनों कारगिल में थे। वो दोनों ही वहां अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने के लिए गए हुए हैं। फिल्म की प्रोड्यूसर किरण राव है और फिल्म का हीरो आमिर खान है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस वक्त भी वो दोनों वहीं पर अपनी फिल्म बनाने में मशरूफ हैं। यानी कि दोनों तलाक के बाद भी एक दूसरे के साथ वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे तलाक का ऐलान होने से पहले कर रहे थे। अगर आपको याद है, सैटरडे 3 जुलाई सुबह 11 बजे के करीब स्पाइस मीडिया ने प्रेस रिलीज मीडिया को भेजा था और मीडिया वालों से फोन करके बाकायदा कहा गया था कि भाई, इस प्रेस रिलीज के साथ आप हेडलाइन लगाओ कि देखो, आमिर खान और किरण राव ने एक नया इतिहास रचा है। दोनों ने कितने प्यार के साथ, कितनी डिग्निटी के साथ एक दूसरे को छोड़ा है और छोड़ने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही हैं। और जिन मीडिया वालों ने स्पाइस को मना कर दिया था कि यार, हम डिवोर्स की न्यूज के साथ बढ़िया बढ़िया हेडलाइंस नहीं लगाएंगे, उनको स्पाइस ने बाकायदा कहा था कि ठीक है, मत लगाइए, तो फिर फ्यूचर में आपको कोई न्यूज मिलने वाली नहीं है, कोई भी आमिर खान का इंटरव्यू मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रेशर में आकर कुछ पत्रकारों ने तो ऐसी ऐसी हेडलाइंस लगाई थी जैसे कि आमिर खान को ऑस्कर मिला हो, जैसे कि आमिर खान ने कोई ऐसा काम कर दिया हो जो इससे पहले कभी दुनिया में हुआ ही ना हो। और वाकई ही उन्होंने ऐसा ही काम किया था। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब समझने की कोशिश ये करते हैं कि जब सैटरडे 11 बजे आमिर खान की पीआर कंपनी ने इस प्रेस रिलीज को मीडिया को भेजा था, तो इसका फैसला फ्राइडे शाम को हुआ होगा। तो फ्राइडे शाम को आमिर और किरण ने यह फैसला किया होगा कि भाई, अब वक्त आ गया है, अब तलाक का ऐलान कर देते हैं। तो उस तलाक के ऐलान के डिसीजन से पहले दोनों में क्या बातें हुई होंगी? तो आमिर ने किरण से कहा होगा कि यार किरण, चलो आज ऐलान कर देते हैं अपनी तलाक का। किरण ने कहा होगा कि यार, फिल्म की शूटिंग करने आए हैं, वैसे ही बिजी है यार, ऐसे में तुझे क्या हर वक्त तलाक के ऐलान की पड़ी रहती है यार, अगले हफ्ते करते हैं। आमिर ने कहा होगा कि नहीं यार, बेबी यार, कर देते हैं ना यार, कसम से यार, लाइफ में बहुत बोर हो गया हूं यार, और आप खुद ही देखो यार, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूं। यहां मैं ये बता दूं आपको कि आमिर खान ने ये खुद कहा है कि हम पिछले 5 साल से तलाक का ऐलान करने की तैयारी कर रहे थे। इसके बारे में आगे बात होगी। तो किरण ने कहा होगा कि चल यार, ठीक है, तो जब करना ही है तो कर देते हैं। तो आमिर खुश हो गया होगा और आमिर ने कहा होगा कि यार, हाथ मिला, गले लग जा यार, यार थैंक यू सो मच यार, किरण यार, आज तो यार दिल आपने खुश कर दिया यार, यार मैं आपका यह एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा यार, कसम से यार, आप कितनी अच्छी लड़की हो यार, आई लव यू सो मच यार। यार किरण, यार ये लड़की देख, असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या सुंदर लड़की है ना यार, आज शाम को इसी के साथ पार्टी करूंगा, आज तो विस्की चलेगी, ब्लैक लेबल चलेगी, आज तो खुशी का दिन है यार, आज तो मैंने शाम को डिनर इसी के साथ करना है और फुल दबा के पैग मारने यार, कसम से मजा आ गया आज। दोनों ने एक बार फिर हाथ मिलाया होगा, एक बार फिर एक दूसरे के गले लगे होंगे और कहा होगा कि यार मुबारक हो, चल यार आज हम दोनों अलग अलग हो गए। अब आमिर ने प्रभात को फोन किया होगा और प्रभात से क्या बात हुई होगी? ये प्रभात साहब स्पाइस के ओनर हैं और स्पाइस ही आमिर खान का पीआर देखता है। तो आमिर ने प्रभात से कहा होगा कि भाई साहब, आज किरण ने और मैंने फैसला कर लिया है कि हम अलग हो गए, हमारा डिवोर्स हो गया है, और भाई साहब ये खबर तू मीडिया में दे दे, और एक बढ़िया सा स्टेटमेंट बनाना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखना कि हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, हम दोनों एक दूसरे का बहुत रेस्पेक्ट करने लगे, इसलिए एक दूसरे के साथ और नहीं रह सकते, और सारे मीडिया वालों से जोर दे के कहना कि हेडलाइन एकदम सुंदर सुंदर लगनी चाहिए, ऐसी हेडलाइन लगनी चाहिए कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। प्रभात ने कहा होगा कि सर, पक्का है ना,
आमिर ने कहा रे भाई पक्का है, 100% पक्का है, हो गया आज तलाक, हो गया दोस्त। प्रभात भाई ने कहा कि डन सर, सुबह ही सारे मीडिया में एक बेहतरीन स्टेटमेंट में भेज दूंगा और जबरदस्त न्यूज आएगी, आप देखना। बस प्रभात भाई ने फटाफट अपने स्टाफ के साथ बैठकर एक बढ़िया सा स्टेटमेंट बनाया होगा, आमिर खान को भेजा होगा कि भाई साहब चेक कर लो कैसा है। आमिर ने बोला होगा जबरदस्त, फटाफट सुबह को मीडिया में भेज दे। और सुबह उठते ही प्रभात भाई ने मीडिया को भेज दिया कि भाई साहब डिवोर्स हो चुका, लिख दो बढ़िया बढ़िया चीजें लिख दो। खैर तो सुबह 12 बजे के आसपास मीडिया में खबर आ गई और तकरीबन 4 बजे आमिर खान ने प्रभात भाई को फोन किया कि हां भाई साहब बताइए कैसा रिजल्ट है, क्या रिस्पॉन्स है। प्रभात ने कहा कि भाई साहब हंगामा हो चुका है, भाई साहब हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन अपनी ही न्यूज़ है, हर न्यूज़ चैनल पे हेडलाइन अपनी ही चल रही है, हर पोर्टल पे अपनी ही हेडलाइन है, भाई साहब सारे सोशल मीडिया पे आप ही ट्रेंड कर रहे हो, गजब हो गया, चारों तरफ हंगामा हो गया। और भाई साहब आज आज के दिन में 100 करोड़ की फ्री की पब्लिसिटी मिल गई, भाई साहब अपनी फिल्म लाल सिंह चड्डा समझ लो कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। आमिर भाई ने कहा कि प्रभात भाई आप कमाल के आदमी हो यार, देखा और मेरी होशियारी देखी, 5 साल से तैयारी कर रहा था बट कैसे टाइम पे आके ऐलान किया, देखा ना फिल्म रिलीज होने से पहले सुपरहिट करा दी कि नहीं करा दी। प्रभात भाई ने कहा कि सर आप तो पब्लिसिटी के मास्टर आदमी हो सर। अब जहां एक तरफ प्रभात भाई और आमिर भाई खुश हो रहे थे कि तकरीबन 100 करोड़ की फ्री की पब्लिसिटी मिल गई, वहां दूसरी तरफ पब्लिक ने सोशल मीडिया पे गालियां देनी शुरू कर दी और शाम होते होते हाल ये हो गया कि आमिर खान विलन बन गया। ये देखकर प्रभात के हाथ पैर फूल गए, पिंडलियां कांपने लगी, उसने तो यह सोचा ही नहीं था कि इतना निगेटिव मामला हो जाएगा। अब शाम को प्रभात ने आमिर भाई को फोन किया कि भाई साहब थोड़ा गलत हो गया मामला। आमिर ने कहा कि अब क्या हो गया। प्रभात ने कहा कि भाई साहब लोग बहुत गालियां दे रहे हैं, निगेटिव हो गया, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलत कर दिया, तो आप ऐसा करो किरण और आप दोनों बैठकर एक वीडियो बनाओ और उसमें कहो लोगों से कि देखो आप दोनों तो अभी भी साथ साथ हैं, आप दोनों तो अभी भी एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, और भाई ज्यादा जो है वो पानी फाउंडेशन पर जोर देना, पानी फाउंडेशन को कहना कि वो तो किरण का और आपका बच्चा है, मतलब उस पे जितना ज्यादा जोर हो उतना ज्यादा जोर देना। आमिर ने बोला कि डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आमिर और किरण राव ने साथ में बैठकर एक वीडियो बनाया पब्लिक के लिए और पब्लिक से कहा कि देखो आप हमारे लिए बिल्कुल दुखी मत हो, हम तो अभी भी एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, बेहद चाहते हैं, हम एक दूसरे का बेहद रेस्पेक्ट करते हैं, हमने बस थोड़ा सा रिश्ते में चेंज किया है, वैसे तो हम साथ साथ ही हैं, जैसे पहले साथ में काम कर रहे थे वैसे ही अब करेंगे, जैसे पहले साथ में फिल्में बना रहे थे वैसे ही अब बनाएंगे, तो हम तो एक दूसरे को अभी भी बेहद प्यार करते हैं। हमने कल अपने डिवोर्स का एक अनाउंसमेंट किया था तो आप सबको शायद दुख पहुंचा होगा। आप हमारे तलाक को एक तरह से प्यार समझो, एक तरह से मिलना समझो, बिछड़ना नहीं। और पानी फाउंडेशन तो हमारा बच्चा है, किरण का और मेरा बच्चा है, वो तो वैसा ही बच्चा है हमारा जैसे आजाद है। पानी फाउंडेशन एक्चुअली हमारे बच्चे की तरह, जैसे आजाद हमारा बच्चा है वैसे पानी फाउंडेशन भी हमारा बच्चा है। इस वीडियो को देखकर तकरीबन 50 लोगों ने तो मुझसे पूछा कि भाई साहब ये पानी फाउंडेशन क्या है, ये किरण राव और आमिर खान का बच्चा है, ये क्या किस बला का नाम है, पानी फाउंडेशन है क्या। मैंने बोला भाई मुझे भी पता नहीं ये पानी फाउंडेशन क्या है, ये सिर्फ आमिर और किरण को ही पता है। आप यकीन करें कम से कम 50 लोगों ने मुझसे फोन करके पूछा कि भाई ये किस तरह का तलाक है, ये बैठ के कैसे बातें कर रहे हैं यार, ये क्या शादी का और तलाक का मजाक बना रहे हैं। हैदराबाद से एक 60 साल के प्रोड्यूसर ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि कमाल भाई मेरी उम्र 60 साल हो गई है, आज तक मैंने तलाक का इस तरह से मजाक बन
बनते हुए नहीं देखा। आखिर अंदर की बात क्या है मुझे आप बताएं, क्योंकि आपको जरूर पता होगा कि ऐसी क्या वजह है कि किरण राव आमिर के साथ बैठकर बाकायदा कह रही है, हंस रही है कि हाँ हमने ये डिवोर्स लिया है, ये कोई गलत नहीं है, हम दोनों तो खुश हैं डिवोर्स लेने के बाद। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वीडियो जो निगेटिविटी दूर करने के लिए रिलीज किया गया था उसने आमिर खान को और निगेटिव बना दिया। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा वो सकते में आ गए, उन्होंने कहा कि साला इसने तो किरण पे कोई बहुत भारी भरकम प्रेशर डाला हुआ है, किरण को बहुत ज्यादा डराया हुआ है कि वो लड़की इसके पास बैठकर कह रही है कि हाँ हाँ ठीक है, हमने तो डिवोर्स लिया है, हम दोनों तो खुश हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे लिए दुखी मत हो। हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं, हमारे रिश्ते में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ ही हैं। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। आमिर खान जितना बड़ा विलन तलाक के ऐलान के दिन बना था, दूसरे दिन ये वीडियो रिलीज होने के बाद उससे भी बड़ा विलन बन गया। अच्छा, इस पर मैंने भी एक सर्वे किया, लोगों से पूछा कि भाई क्या आप लोग दुखी हो आमिर खान और किरण राव के डिवोर्स के बाद? 85% लोगों ने कहा कि घंटा दुखी है, हमें क्या लेना देना है बे, वो डिवोर्स करें, साथ में रहें, उनकी मर्जी है, जो करना है करें, हम उनके लिए क्यों दुखी होंगे भाई, हमारा क्या लेना देना है इस बात से भाई। 15% लोगों ने कहा कि हम दुखी हैं। ये 15% लोग कौन हैं? ये 15% लोग हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, ओवरसीज ऑडियंस। उन बेचारों को लगता है कि यार इंडिया में आमिर खान और किरण राव के साथ बहुत ही गलत हो गया है। आमिर खान ने खुद ही ये भी कहा कि हम पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे तलाक लेने की, हम पिछले 5 साल से इस बात की तैयारी कर रहे थे कि वो कौन सा दिन होगा जब हम तलाक का ऐलान करेंगे, और 5 साल के बाद वो दिन आया है आज जब हमने तलाक का ऐलान किया है। तो हकीकत यह है कि तलाक तो उसी दिन हो गया था जिस दिन इन दोनों ने ये सोच लिया था कि भाई हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तलाक लेंगे और सही वक्त आने पर तलाक का ऐलान कर देंगे। और मैं आमिर खान को सलाम करता हूं कि उसमें इतनी हिम्मत है कि उसने एक लड़की को बता दिया कि भाई मैं तुझसे तलाक लेने वाला हूं, और फिर भी 5 साल तक उसके साथ ही घर में रहता रहा, आराम से बेफिक्र होकर सोता रहा। अगर हमारे गांव की लड़की को यह पता हो कि भाई ये लड़का मुझसे तलाक लेने वाला है, तो भाई आप यकीन करें, या तो रात को टेटवा दबा देगी और या तो जहर देके मार देगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो मैं किरण राव को सैल्यूट करता हूं कि उस लड़की ने यह जानने के बावजूद भी 5 साल तक आमिर को कतई कुछ नहीं कहा, आमिर खान के साथ कतई कुछ गलत नहीं किया, बल्कि ये वेट करती रही कि भाई साहब कब मुझे तलाक देंगे और कब इस बात का ऐलान करेंगे। तो किरण राव जी, आप मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छी औरत हैं, आपको मेरा सलाम है। और आमिर खान साहब, आप यकीन करें, आप बहुत बड़े विलन बन चुके हैं, और इस बात का पता आपको तब चलेगा जब आपकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगी। आप यकीन करें, अब इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता, और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद आपने जो उस वक्त कहा था कुछ साल पहले, वो आप खुद कहेंगे कि देश में दहशत का माहौल है, अब इस देश में रहा नहीं जाता। टेक केयर, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट भी ज़रूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वो घंटी है उसको दबा दो, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए।